नमस्कार, मैं हूँ हर्षद कुमार। अब हमारी HPIN टीम विजयनगर तहसील में आ पहुंची है। जो सरकार ने जो कोरोना वायरस के महामारी से लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो रेशन कार्ड धारकों को जो बिना मूल्य अनाज मिल रहा है, उसके बारे में हम अधिक जानकारी देंगे। गुजरात सरकार में जैसे 66 लाख रेशन कार्ड धारकों को आज फ्री में बिना मूल्य में अनाज मिलेगा। वैसे तो गुजरात में 17,000 से ज्यादा दुकानों पर ये अनाज मिलने वाला है। यहाँ कई लोग भी उपस्थित हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा गया है। दोनों लोगों को बीच सोशल डिस्टेंसिंग, कैमरामैन को गुजारिश करूँ तो वो जरा कैमरे में दिखाए तस्वीर, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया है वो तस्वीर दिखाए। यहाँ जो सरकार ने जो गवर्नमेंट को इधर रोका है, वो सभी लोग यहाँ भी उपस्थित है। चलिए हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनको आयोजन किया गया है। सर जी, आपका नाम क्या? अमरावती तेजाबी पटेल सर। ये सभी को दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है? जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में कितना क्या माल मिलता है? इसमें मिलता है 3.5 किलो गेहूँ, 1.5 किलो चावल और शक्कर और दाल और नमक। सभी कार्ड धारकों को मिलता है या बीपीएल वाले? एपीएल वाला मिलता है, बीपीएल वाला भी मिलता है। अगर कोई किसी के पास कार्ड नहीं तो उसका आयोजन किस तरह से किया है? उसका आयोजन तो अभी है नहीं है मेरे पास, अभी तक नहीं है। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा दिनोद भाई नानजी भाई, ओकड़ा में ICDS शाखा विजयनगर। जी सर, ये जो सरकार ने जो योजना की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने योजना डिक्लेयर की है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि विजयनगर ग्रुप ग्राम पंचायत संचालित सतरिया सस्ता अनाज ने दुकान में हमें विस्तरण अधिकारी ओकड़ा ICDS शाखा विजयनगर तेमज शिक्षक श्री संजय भाई बुधरा तेमज अशोक भाई बुधरा तेमज पुलिस द्वारा होम गार्ड अहीं व्यवस्था जाळवा माटे अहीं मुकेला छे, एमना सहकार थी अहीं वितरण करवानुं चालू छे। मेरा एक सवाल है कि जो लोग के पास रेशन कार्ड नहीं है, उनके लिए क्या आयोजन है? वो रेशन कार्ड नहीं है, इसके लिए तो 4 तारीख से उसका अलग से कोटा, हाँ अलग से लिस्ट बनाया जाएगा और उसका पैकेट तैयार है और उसका सर्वे करके उसको 4 तारीख के बाद उसको वितरण किया जाएगा। जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है, उनको 4 तारीख के बाद उनका एक सर्वेलेंस तैयार किया जाएगा, उसके बाद उनको सभी को दिया जाएगा, ऐसे साहब को ने बताया है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना बहुत आयोजन किया है, बहुत अच्छी तरह से है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ मैं। किट लेके निकले हैं, चलिए हम उसको बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपका नाम क्या है? फिरोज खान पठान। कितना मिला आपको? मेरे को व्यक्ति डेढ़ 3.5 किलो गेहूँ और चावल और शक्कर। सरकार ने ये निकला है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा किया है, परिवार का गुजरान चल सकता है? गुजरान तो चलाना पड़ेगा। वैसे तो सरकार ने 66 लाख रेशन कार्ड धारकों ने 1 अप्रैल से ये योजना चालू की है। ये योजना 3 दिन तक पूरी हो जाएगी। यहाँ हमारे साथ बंदोल गांव के प्रधान जी है, चलिए हम उसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपका नाम क्या है? कटारा मगन भाई कावा जी। हमारे साथ मगन भाई जुड़ चुके हैं। सर, ये जो आयोजन बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से आयोजन किया, इसमें आयोजन करने के लिए आपको किस तरह से आयोजन किया? ये हमारा बंदोल सेवा मंडली में 25-25 जन टुकड़ी बनावी अने लाइन फेर गुड़ाड़ू करी अने एक एक माणस ने बोलावी ने अमे वितरण करीए छीए, सारी रीते वितरण करीए छीए। जो ये सरकार की स्कीम है तो वो आपको कैसी लगी? ये सरकार ने आदेश प्रमाणे हमें काम सारी रीते निभावी रहा छे। इसमें कौन से कार्ड धारकों को ये मिलता है? बीपीएल एपीएल कार्ड धारक ना हो तो आपा पात्र निकाल के यादी मैंने तैयार किया है। वो कैमरा मैन का गुजारिश करूँ कि ये जो यादी यहाँ प्रधान जी ने, जो जिसके पास कार्ड नहीं है उनकी यादी भी बहुत अच्छी तरह से बढ़िया काम किया है। कैमरा मैन को मैं गुजारिश करूँ कि ये यादी पर टीवी स्क्रीन पर दिखाए। यहाँ दूसरे स्टाफ भी मौजूद है, चलिए हम उसके बात करने की कोशिश करेंगे। सर जी, आपका नाम क्या है? कटारा दिनेश भाई रमन भाई। हमारे साथ दिनेश भाई जुड़ चुके हैं, चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको आयोजन किस तरह से ये आयोजन किया? हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमको यहाँ वन किया और आपको यह जो सोसाइटी है वहाँ पर हाजिर रहकर सब लोगों को ये कोरोना वायरस है और उसको कैसे फैलने से रोका जा सकता है और लोगों को किस तरह से इसके सामने सावचेत रहना है।
આવતીકાલ પહેલી તારીખથી સાબરકાંઠા જિલ્લાની કુલ સસ્તા અનાજની દુકાનો 518 છે, જેના પરથી અનાજ, ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, દાળ અને મીઠું આ તમામનું વિતરણ વિનામૂલ્યે જે કરવાનું છે, એમાં એનએફએસએ કાર્ડ લોકો જે ધરાવે છે એમને વિનામૂલ્યે આપવાનું છે, અને એ સિવાયના કાર્ડ ધારકોને આપણે આ આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ આપવાની થતી નથી. તો આપણા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 518 દુકાનોમાં 1,91,742 જેટલા કાર્ડધારકો છે આવા. તો આ લોકોને આવતીકાલ પહેલી તારીખથી આપણે અનાજનું વિતરણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એના માટે લગભગ 3-4 દિવસમાં બધા જ લોકોને આ અનાજનો પુરવઠો પહોંચતો કરવામાં આવશે, અને લોકોએ દુકાન ઉપર જઈને લેવાનો છે, પણ એમાં આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જરૂર અને ફરજિયાતપણે પાળવાનું છે, એની ખાસ હું અપીલ કરું છું. અને એમાં ગામની સ્તરે અને શહેરી વિસ્તારમાં પણ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે, જેમાં સરપંચ છે, તલાટી છે, શિક્ષક છે અને જીઆરડી કરીને 4 લોકો જે છે એની હાજરીમાં વિતરણ કરવામાં આવશે. શહેરી વિસ્તારમાં પણ વોર્ડના કાઉન્સિલર છે, રેવન્યુ તલાટી હશે, શિક્ષક હશે, આવી 4 લોકોની કમિટીની હાજરીમાં અનાજનો જથ્થો વિતરણ થશે. તો બધા જે લોકો કાર્ડધારકો છે, લાભાર્થીઓ છે, એને મારી ખાસ વિનંતી છે કે કોઈ ઉતાવળ ના કરે, પૂરતો જથ્થો પહોંચી ગયો છે દુકાનો ઉપર, કોઈ પણ જથ્થાની ઘટ નથી, એ વહીવટીતંત્રે પહોંચાડી દીધેલો છે, એટલે એવું ના માને કે પછી મળશે નહીં મળે. તો શાંતિ રાખીને, સહકાર આપીને, જે કમિટી દ્વારા જે કૂપન કે ટોકન આપ્યા હોય અને એમાં જે સમય બતાવ્યો હોય એ સમય ઉપર જઈને જ લેવાનો થાય છે. એ સિવાય મહેરબાની કરીને બધા જે બીજી તારીખ આપી હોય અને પહેલી તારીખમાં આવીને લેવા ના આવે, ત્રીજી તારીખ આપી હોય અને પહેલી તારીખે લેવા ના આવે, જે તારીખ અને સમય લેખો છે એનું ચોક્કસપણે પાલન કરવાનું છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પણ ખાસ પાલન કરવાનું છે. બીજી મારે વાત એક પણ કહેવી છે કે જે અત્યંત ગરીબ છે, ઘરવિહોણા છે, કે જેને પાસે કાંઈ રેશન કાર્ડ પણ નથી, નિરાધાર છે, એવા લોકોને પણ આ વિતરણ પૂરું થયા પછી સસ્તા અનાજની દુકાન ઉપરથી એમને પણ અનાજનો જથ્થો આપવાનો થાય છે. તો એ લોકો પણ અત્યારે કોઈ બિનજરૂરી ત્યાં દુકાન ઉપર જઈને ભીડ ના કરે. ખાસ કરીને ફરીથી કહું છું કે બધા જ આપણે આમાં પાલન કરીએ, જેથી કરીને આપણે કોરોનાથી પણ આપણે બચી શકીએ. એટલે સાવધાન રહીએ, સાવચેત રહીએ, ડરીએ નહીં, પણ જે નિયમો છે નિયમોનું પાલન કરીએ, અને તો આપણે બધાને પણ આપણા આરોગ્યની સારી રીતે આપણે એને સાચવી શકીશું. બધાનો આભાર.